नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। दोस्तों, बहुत ही मन करता है कि आकाश में उड़े, मगर आकाश में उड़ने के लिए यानी हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है चीजों का, उस पर आज हम बताने वाले हैं कि आप अगर पहली बार हवाई जहाज पर अगर चढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर इंडिया के यहाँ पर एक एरोप्लेन जो है आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा है। अब कोशिश तो कर रहा है, मगर मुझे भी मन कर रहा है कि मुझे इस पर चढ़ना है। तो अगर दोस्तों मैं टिकट के मैं बताऊं बात, तो ओनली फॉर ज़्यादा नहीं 3,000, 4,000, 5,000 में, 6,000, 7,000 में भी आप आराम से बैठकर एरोप्लेन में घूम सकते हैं। चलिए हम आपको डिटेल बताते हैं कि आवश्यकता क्या चीज़ है एरोप्लेन में चढ़ने से पहले। सबसे पहले दोस्तों हमें याद रखना होगा कि ये मेरा आधार कार्ड है। आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है एकदम। या तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं और नहीं तो पेन कार्ड आप ले सकते हैं, जरूरी। यानी दो चीज मस्ट है, या तो आधार कार्ड रखिए न तो पेन कार्ड रखिए। दोनों में से कोई भी एक चीज एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले या पहली बार एरोप्लेन में आप यात्रा कर रहे हैं या जितने बार भी करेंगे, तो आपको पेन कार्ड और आधार कार्ड जरूर चाहिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक मोबाइल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आखिर मैं मोबाइल क्यों दिखा रहा हूँ? मोबाइल इसलिए दिखा रहा हूँ कि टिकट आपको बुकिंग करना है तो कोई भी वेबसाइट पर यानी एक yatra.com पर भी जा सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से भी आप अपने टिकट का बुकिंग कर सकते हैं, एयरलाइंस करके कर सकते हैं, यानी जो .com जो वेबसाइट है उस पर जाइए और यहाँ से बुकिंग कर लीजिए। बुकिंग करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं। टिकट आपका सारा चीज़ फाइनल हो गया है, आपने टिकट ले लिया है, किस डेट में है वो भी आपको पता हो गया है, तो फिर उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, यानी आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जब आप जाना चाहते हैं एरोप्लेन पर चढ़ना चाहते हैं। उससे पहले यानी एक दिन पहले आपके मोबाइल में मैसेज आता है तो आपको क्या करना है, वेब चेकिंग आपको करवाना है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से ट्रेन में PNR होता है, जिस तरह से ट्रेन में हम चेकिंग करते हैं कि हमारा सीट नंबर कितना होगा, तो PNR को हम डालते हैं, यानी सर्चिंग जहां पर है रेलवे का उसी तरह से हम इसमें डालेंगे जहां आपको मैसेज आया हुआ है, या इनके वेबसाइट पर भी जाइएगा तो यहां से जैसे PNR आप डालिएगा तो वहां पर आपको सीट नंबर भी पता चल जाएगा, आपका कंफर्म है कि नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। आगे चलने के बाद अगर आपको मन कर रहा है कि मैं सीट जो हूँ एक दिन बिफोर जो आया है आपका मैसेज, तो बोर्डिंग चेकिंग आपको करना है। बोर्डिंग यानी जिस तरह से आपको मन करता है कि मुझे विंडोज वाला जगह पर मुझे बैठना है, जहां खिड़की होती है वहां मुझे बैठना है और पूरा दुनिया का मज़ा मुझे लेना है, यानी नीचे का चीज़ को देखना है, आकाश को छूना है, बादल को छूना है, तब वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको मैसेज एक दिन बिफोर आया था, आप वहाँ पर अपने मन का यानी चूज आप सीट कर सकते हैं, यानी आप विंडो वाला जो स्थान है वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। मगर आपने पहले जो पैसा जो जमा किया था, हो सकता है कि उसमें से 300-400 रुपया आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप विंडोज वाला स्थान पर आप बैठना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका बोर्डिंग का यानी बोर्डिंग एक पेपर होगा, यानी एज ए उसको टिकट भी बोल सकते हैं, उसको लेके आराम से आपको एयरपोर्ट पर जाना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब एयरपोर्ट पर जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हवाई अड्डा लिखा हुआ है और मैं एयरपोर्ट तक पहुँच गया, मगर एयरपोर्ट पर यानी अब मुझे एक दिन पहले मैसेज आया, मेरा कंफर्म हो गया कि मुझे विंडोज वाला खिड़की के पास मुझे बैठना है, कितना बजे है वो सारा चीज़ आपको डिटेल पता हो गया, कंफर्म हो गया, तो एयरपोर्ट पर आपको कम से कम 2-3 घंटा बिफोर आपको जाना होगा।
और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एयरपोर्ट में आप जैसे ही जाइएगा वहां पर, तो खाने पीने की चीज जो होती है अंदर में वो काफी महंगा होता है दोस्तों। यानी जो चीज 10 रुपया का होता है वो हो सकता है कि 50 से 100 रुपया में भी मिल सकता है या 20 रुपया में भी मिल सकता है मे बी। अब देखिए, जब मैं एयरपोर्ट पर, मैं 3 घंटा पहले आ गया, आने के बाद मैं क्या करता हूं कि यहां अब इसके अंदर यानी एरोप्लेन जो है जहां मैं आ चुका हूं, तो मैंने बाहर का फोटो दिखाया था मैं अपना, अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूं। यहां जाने के लिए यहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं, यानी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे ये सुरक्षा कर्मी करने वाले, और एक यहां मशीन आ रहा होगा नजर जो चेकिंग के लिए है। अब यहां से आपको अंदर की ओर क्रॉस करना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी हम आपको, अब दोस्तों देख लीजिए, अब देखिए दोस्तों, ये जो सुरक्षा कर्मी थे उनसे हमने अब इसके अंदर हम एंट्री कर जाते हैं, यानी अब अंदर की ओर चल जाते हैं, यानी जैसे प्लेटफार्म जो अंदर स्टेशन में चल जाते हैं, स्टेशन के अंदर आप जाते हैं। अब देखिए, स्टेशन के अंदर तो हम यहां नहीं है, हम तो क्या है एयरपोर्ट के अब अंदर चले जाते हैं। अब यहां अंदर जाने के बाद क्या होता है, आपको थोड़ा सा और चीज मैं बता दूं कि अगर आपके पास भारी भयकम यानी पूरा भारी सामान लैगेज है, तो आपको काउंटर पर जाके जमा करना होगा। आपका तो चेकिंग हो चुका है फर्स्ट टाइम, तो वहां जो भारी सामान जो है वहां पर काउंटर पर आपको जमा कर देना है। आप प्लस में टिकट काउंटर जहां पर है जो देख सकते हैं, वहां भी आप टिकट को एक बार कंफर्म कर लीजिए, यानी आप रिपीट कर लीजिए, पूछ लीजिए कि मेरा एरोप्लेन है, मेरा जहाज जो है से कितना बजे आएगी, आपको मुंबई से लखनऊ जाना है या फिर बिहार में गया से आपको रांची जाना है, या गया से आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, या विदेश जाना है कहीं भी, तो एक बार आप कन्फर्म कर लेंगे। यहाँ सामान भी आप काउंटर पर जमा कर देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पर आपने अब इस तरह से सीढ़ी से भी आप ऊपर जा सकते हैं। अब देखिए, सारा सामान ने आपने जमा कर दिया, जमा करने के बाद आपके पास अगर जेंट्स है तो उनके पास कोई हैंड बैग है, यानी एक छोटा सा हैंड बैग है, या लेडीज कोई हैंड बैग है छोटा सा, तो आप इसको डायरेक्ट अपने हाथों में लेके जा सकते हैं। मगर लैगेज है पूरा तो उसको काउंटर पर जमा कर देना है। जमा करने के बाद वो आपको अंदर में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा अब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि अगर आपने ले तो लिया है हैंड बैग, मगर आप उसके अंदर ये पावर बैंक नहीं ले जा सकते। पावर बैंक आप अपने हैंड बैग में नहीं ले जा सकते, इस चीजों को ध्यान देना है, नोटिस करना है। अब आगे जाने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको एक बड़ा सा टीवी नजर आएगा, यानी आपको यहां पर एक टीवी नजर आ रहा है, एक एलईडी नजर आ रहा है टीवी। इस टीवी पर आपको ध्यान देना है कि देखना है कि आपका कौन सा गेट नंबर पर आपका जहाज जो है हवाई जहाज आ रहा है, और कितना बजे है समय भी आप यहां पर देख लेंगे, और कितना मिनट में आपको अंदर जाना है। अनाउंसमेंट भी होते रहेगी दोस्तों, आपको ये चीज को ध्यान से सुनते रहना है। अब जैसे ही यहां पर आपने देख लिया, तो यहां से अब हम अंदर की ओर जाएंगे। जब अंदर की ओर जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको गेट नंबर अनाउंसमेंट हो गया कि आपको गेट नंबर 1 से आपको अंदर जाना है, तो 1 नंबर गेट से आप एंट्री करेंगे। तो याद रखिएगा, कर्मी रहते हैं उनसे भी आपको चेकअप करवाना होगा, और लास्ट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे दोस्तों, यहां पर मैं पीछे आ जाता हूं दोस्तों, जैसे ही एक नंबर गेट से अंदर करते हैं, यानी अब आपको हवाई जहाज देखने का मन कर रहा है, मतलब आप अंदर की ओर जाना चाहते हैं, तो यहां पर लास्ट चेकिंग आपको एक बार और होगा दोस्तों। और 1 नंबर गेट से जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा, तो लास्ट आपको सुरक्षाकर्मी करेंगे, और उसके बाद फिर आप गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे, तो एक सुंदर सा, एक प्यारा सा एक व्यूज नजर आएगा, जो व्यूज नजर आएगा जो बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों। आप सोचिए, यहां पर जैसे ही आप इंटर करेंगे, तो बहुत सारे सामान लगे जो आपको यहां पर, जो सामान आपने काउंटर पर जमा किया था, वो सामान यहां पर आ जाएंगे, और यहां से आपके एरोप्लेन में आराम से चले जाएंगे दोस्तों।
आप देखिए, जब इतना सारा नजारा आप देखेंगे तो सोचेंगे अरे यार इतना बड़ा फील्ड यानी इतना बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ ना जाने कितने हवाई जहाज लगे हैं। अगर मैं देखूँ तो 5 हवाई जहाज लगे हैं। यहाँ का नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप सोचेंगे कि अब मैं सेल्फी खींचूँ, ऐसे खींचूँ। अब अपने सोशल मीडिया पर आप शेयर करने लगेंगे दोस्तों, यहाँ आपको काफ़ी मजा आएगा। यहाँ के बाद आपको फिर एक लास्ट में आपको क्या करना है कि अब आपको हवाई जहाज के अंदर आपको चढ़ना है। तो एक ऐसे हवाई जहाज का एक सीढ़ी आएगा और यहाँ पर कुछ लोग हवाई जहाज के सुरक्षाकर्मी और कुछ लोग आपको देख रेख करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर से आप हवाई जहाज के अंदर आप चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमने यहाँ तक तो बता दें। अगर आप चाहते हैं कि हवाई जहाज के अंदर की चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ, अंदर क्या फैसिलिटी होता है, तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम भी आज यात्रा पर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।